पर कब्जा कर वहां असामाजिक तत्वों के जमावड़े के खिलाफ हिंदू जागरण मंच ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि पहले भी अभिभाषक संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा साथ ही समाज सेवियों के द्वारा गुना कलेक्टर को नेकी की दीवार हनुमान चौराहे से हटाने की मांग की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी गुना कलेक्टर की उदासीन रवैया उसे हनुमान चौराहे से हटा नहीं पा रहा। आज हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला कलेक्टर से मिले और उन्हें ज्ञापन के रूप में अवगत कराया कि जल्द ही हनुमान चौराहे से यह अतिक्रमण हटा लिया जाए। पुष्पराज शर्मा एडवोकेट के हवाले से प्रकाशित खबर कि गरीबों को 8 लाख रुपए की दवाइयां उनका वितरण एवं इलाज किया जा चुका है, के संबंध में जांच किए जाने के संबंध में माननीय महोदय सेवा में हिंदू जागरण मंच की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत है। यह की दिनांक 9/3/2019 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में एडवोकेट पुष्पराज शर्मा के हवाले से खबर छापी गई है कि नेकी की दीवार पर गरीबों को 8 लाख रुपए की दवाइयों का वितरण किया जा चुका है, के संबंध में जांच किया जाना आवश्यक है, क्योंकि पूर्व में अनेक समाचार पत्रों में पुष्पराज शर्मा नेकी की दीवार को मध्य प्रदेश सरकार के आनंद मंत्रालय से भी संबंधित बता चुके हैं। स्थित हनुमान चौराहे पर नेकी की दीवार के माध्यम से कुछ असामाजिक तत्व के लोगों का जवाबड़ा वहाँ देखने को मिलता है। उस नेकी की दीवार के माध्यम से शासकीय भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी विगत दिनों कुछ चित्र सामने आए जिसमें कुछ असामाजिक तत्व के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जमावड़ा पड़ रहा है। अतः शासकीय भूमि से एक व्यस्तम चौराहे से इस प्रकार की असामाजिक तत्वों की कार्यप्रणाली हटाई जाए, इस उद्देश्य से आज हिंदू आर्मी के कार्यकर्ताओं ने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है।